हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज इंडियन पॉलिटी का सबसे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं, और ये इम्पॉर्टेंट बेसिकली मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ नहीं, बल्कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और जब आप उसे एनालाइज करोगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि हर एक साल कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन पार्लियामेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते ही है, क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर कह सकते हो, क्योंकि जो आपका यूपीएससी में रिसेंट एग्जामिनेशन पूछे हैं 2018, 19, 20, आप साफ साफ देख लेना पार्लियामेंट से मिनिमम 4 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस होते ही है। तो हमें कहीं ना कहीं पूरे बुक को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। एट द लास्ट को जब समय कम हो तो हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का रिविजन ज़्यादा करना बेटर होगा, सो दैट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है उसे ना भूला जाए। और अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखोगे तो पता चलेगा अगर 10 से 15 क्वेश्चन भी जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे DPSP हो गया आपका, फंडामेंटल राइट्स हो गए आपके, पार्लियामेंट हो गया आपका, इमरजेंसी हो गया, फिर आपका जो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उससे भी एक आध पूछ ले जाते हैं, लेकिन वो चलो कभी कभी 2 साल में एक बार, बट शेड्यूल हो गए। और फिर आपके जो DPSP हो गए, ये सब कुछ ऐसे 10 चैप्टर हैं जो क्वेश्चंस, एक नए क्वेश्चन जरूर निकलते हैं ईयरली बेसिस पे। तो क्यों ना सबसे पहले इसी पर फोकस किया जाए, उसके बाद आपका जो अदर चैप्टर्स आते हैं उस पर फोकस करो। तो ऐसे जब तैयारी करोगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ही वास्ट है, पूरा रिविजन करना एक चैलेंजिंग इश्यू बन जाता है, दैट्स वाई हमें फोकस एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न पर करने की ज़रूरत होनी चाहिए, सो दैट हम आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सके विदाउट टेकिंग एक्सेसिव लोड। तो क्या क्या क्वेश्चन पार्लियामेंट से पूछे जा सकते हैं, और हाँ, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा दूंगा तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर निकालना और उसे सॉल्व करना और एनालिसिस करना कि 2014 के बाद से 2020 तक कितने क्वेश्चन पार्लियामेंट के ऊपर आए हैं। ऑन एवरेज आपको पता चल जाएगा कि पर ईयर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूँगा कि क्या क्या क्वेश्चन और क्या क्या फैक्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर और बहुत बड़ा चैप्टर भी है, एंड इट कैन गो फॉर लॉन्ग। सो अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, आपको भी पता है कि जो हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, वी हैव द टू लेजिस्लेचर, एक तो आपका लोअर हाउस होता है, एक आपका अपर हाउस होता है। लोअर हाउस जो आपका रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों के द्वारा चुन कर आते हैं वो रिप्रेजेंट करता है, दैट इज योर लोकसभा। राज्यसभा जो आपका अपर हाउस है, इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव जो चुन कर आए हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो बेसिकली अपने मेंबर्स को राज्यसभा में भेजते हैं जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप समझ सकते हो कि वी हैव क्वासी फेडरल नेचर, जहाँ पर आपका स्टेट लेजिस्लेचर चुनता है सर्टेन मेंबर्स को और फिर वो राज्यसभा में भेजता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। और फिर अदर पार्लियामेंट्री फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि वी हैव द टू लेजिस्लेचर एंड वी हैव द रियल एग्जीक्यूटिव हेड एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, दोनों में डिस्टिंक्शन होते हैं। और फिर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर आपको ये पता होगा कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोअर हाउस, ये 3-4 इंपॉर्टेंट फीचर जो मेंस के लिए भी पूछे जाते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो पार्लियामेंट के बारे में प्रीलिम्स के लिए शुरुआत में तो आपको ये याद रखना है कि ये पार्ट 5 में मेंशन करी गई है। पार्ट 5 डील्स विद यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब आ जाते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में। और फिर अदर डिटेल्स की बात करें तो पार्लियामेंट बेसिकली इसके 3 पार्ट हो सकते हैं। एक तो आपका प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, फिर आपका राज्यसभा है जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, एंड फिर जो आपका दूसरा है वो लोकसभा जिसको हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। तो पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ 3 पार्ट, जिसमें प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा, एंड हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा। और अगर हम बेसिक डिटेल्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख लो, अच्छे से आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट भले ही पार्लियामेंट का पार्ट है, वाई पार्लियामेंट का पार्ट है, बिकॉज कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट से पास होकर लॉ बननी है तो प्रेसिडेंट का एसेंट जरूरी है।
दैट्स वाई प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। बट एक श्योरिटी से बात आपको याद रखनी है कि प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस। प्रेसिडेंट ना ही लोकसभा का सदस्य होता है, ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य होता है। प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस बट इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये याद रखना है। और इसी रेस्पेक्ट में जो फ्रेमर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ब्रिटिश सिस्टम पर उन्होंने रिलाई किया रेदर देन अमेरिकन सिस्टम, है ना, बिकॉज वहाँ पर आपका ऐसा ही चलता है। एंड अनलाइक ब्रिटेन एंड इंडिया, अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ये याद रखना है आपको, है ना। अमेरिकन प्रेसिडेंट आपका इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है लेजिस्लेचर का, बिकॉज प्रेसिडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो डिसीजन भी इंडिपेंडेंट लेते हैं, किसको चुनना है वो भी आपका इंडिपेंडेंटली अपने मनमर्जी से चुनते हैं, और वो किसी भी हाउस को रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। जबकि इंडिया में क्या होते हैं, आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा या लोअर हाउस को। एंड प्रेसिडेंट कैन समन एंड प्रोरोग यू, समन का मतलब क्या हुआ कि हाउसेस को बुलाने की बात हो, आपने विंटर सेशन, समर सेशन, मानसून सेशन सुना होगा, तो समन करना मतलब हाउस को बुलाना, और प्रोरोग यू करना यानी कि हाउस को बंद करना, दोनों आपका प्रेसिडेंट करते हैं। लोकसभा का डिसोल्यूशन करने की बात हो ये भी प्रेसिडेंट करता है, और जो हाउस है उसको एड्रेस भी करता है, बट पार्टिकुलर पीरियड में, फॉर एग्जांपल फर्स्ट जनरल इलेक्शन जब होते हैं आपके, जनरल इलेक्शन जब होते हैं उसके बाद पहली बार जब पार्लियामेंट मीट करती है तब एड्रेस होता है। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उसके बाद प्रेसिडेंट आपका एड्रेस करता है, तो ये दो सर्कमस्टांसेस में आपका प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी इश्यू करते हैं व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, एंड प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स, एंड इसको चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, ये बात भी आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स, और कुछ ग्राउंड होते हैं बेसिकली आपको पता होगा, हमने डिस्कस भी किया था, एंड दिस कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ये पता होनी चाहिए। सो और कुछ बातें आपको जो याद रखनी है, ये हमने प्रेसिडेंट को डिस्कस किया, अब हम काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर राज्यसभा को डिस्कस करेंगे। याद रखना है आपको राज्यसभा का हिंद, जो आज आप राज्यसभा या लोकसभा बोलते हैं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, काउंसिल ऑफ स्टेट या हाउस ऑफ पीपल कहा जाता था, लेकिन इसके हिंदी नेम की राज्यसभा लोकसभा ये 1954 में यानी कि आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन तब जाके अडॉप्ट करी गई। और राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें फिलहाल तो आपका 250 है, और 250 में आपका 238 स्टेट एंड यूटी से आता है, और आपको ही पता है कि जो चुने जाते हैं मेंबर्स टू द राज्यसभा वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, हम लोग आप लोग राज्यसभा के सदस्य को नहीं चुनते, बेसिकली जो रिप्रेजेंटेटिव्स आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं हमारे द्वारा चुनकर, वो बेसिकली चुनते हैं आपके राज्यसभा के मेंबर्स को, और 12 नॉमिनेटेड, तो देख सकते हो 238 फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटी, एंड जो 12 है वो नॉमिनेट प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। चार ग्राउंड में आपका नॉमिनेशन होता है, आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस एंड लिटरेसी, कुछ ऐसे, हाँ तो ये है आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस, ये चार ग्राउंड है, ये ग्राउंड याद रखना, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस, सोशल सर्विस, ये इनमें से आपका 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेजेंट स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपका 250 है, लेकिन प्रेजेंट स्ट्रेंथ आपका 245 मेंबर्स का है, जिसमें 229 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 यूटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और 12 जो आपके नॉमिनेट किए जाते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यूएसए में आपको पता होगा कि सारे स्टेट्स इक्वली मेंबर को भेजते हैं टू द सीनेट, दैट इज योर अपर हाउस, और वो कितने होते हैं, 2 मेंबर्स पर स्टेट, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में डिपेंड करते हैं पॉपुलेशन क्या है, जैसे कि उत्तर प्रदेश ज़्यादा सदस्य भेजते हैं कंपेयर टू गोवा, बिहार, जो भी है ना। फोर्थ शेड्यूल आपको याद रखना है, इट डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूटी, एंड आपको ये याद रखना है कि ओनली दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर हैज रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, टोटल 9 यूटीज हैं, ये आप याद रखना है, टोटल 9 यूटीज के भी नाम याद रखने को आपको पता होना चाहिए। आपका फिलहाल तो जम्मू एंड कश्मीर में जो न्यूज चल रहा है कि यहाँ डिलिमिटेशन एक्ट कमीशन लाए जाएंगे, जो आपका इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो होने वाला है उसके लिए ये लाए गए। तो अभी फिलहाल तो हमारे देश में 3 यूटीज ही ऐसे हैं जहाँ स्टेट लेजिस्लेचर है, यहाँ लेजिस्लेचर है यानी कि लोअर हाउस है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू एंड कश्मीर है, ये याद रखना है, टोटल 9 यूटीज हो गए। अमेरिकन सीनेट में यानी कि अपर हाउस जिसको आप कहते हो, यहाँ पर कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। और फिर याद देख लो,
मेंबर्स इलेक्ट होते हैं यहाँ पर बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ टर्म याद रखो इलेक्टेड मेंबर, यहाँ पर भी इलेक्टेड मेंबर कह रहा है, नॉमिनेटेड नहीं है ना। तो मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और तरीका वही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड जो सीट्स है वो एलोकेट होते हैं टू द स्टेट इन द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जिस राज्य की पॉपुलेशन ज़्यादा है उस हिसाब से आपका सीट्स भी एलोकेट किए जाते हैं। और राज्यसभा कंटिन्यू चैम्बर है यानी कि ये परमानेंट बॉडी है, इसे प्रेसिडेंट के द्वारा आपने कभी नहीं सुना होगा कि भंग कर दिया गया। इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। हाउएवर 1/3 जो मेंबर हैं आपके राज्यसभा के हर दूसरे साल रिटायर होते हैं और ये जो रिटायर होने वाले मेंबर थे वो री इलेक्शन के लिए और री नॉमिनेशन के लिए एनी नंबर ऑफ टाइम्स एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि एक बार चुन लिया गया और जब ये रिटायर हो गए तो दोबारा इनको नहीं लाया जा सकता, ये री एलिजिबल है री इलेक्शन है री नॉमिनेशन के लिए। ये हमने राज्यसभा को डिस्कस किया। और अगर हम बात करें लोकसभा की तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिलहाल 552 है, 530 स्टेट से आते हैं और 20 मेंबर्स यूटीज से एंड 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो प्रेसिडेंट चुनता है। लेकिन फिलहाल संवैधानिक संशोधन करके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो चुने जाने वाले नॉमिनेशन वाली प्रक्रिया है उसको हटा दी गई है, यानी कि अब कोई मैंडेटरी नहीं है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स चुने जाएंगे फॉर एंग्लो इंडियन। प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करें तो 545 मेंबर्स टोटल हैं अभी फिलहाल में, 530 मेंबर्स स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 30 मेंबर्स यूटीज को और 2 एंग्लो इंडियंस बेसिकली अब नहीं है ये। आप एक बार करंट अफेयर्स को रिविजिट कर लेना आपको पता चल जाएगा इसको हटा दिया गया। एंड इन करेंट 17th लोकसभा नो मेंबर हैज बीन नॉमिनेटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया ना नो मेंबर हैज बीन नॉमिनेटेड फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये देख सकते हो आप एंग्लो इंडियन रिजर्व सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों पार्लियामेंट में भी स्टेट लेजिस्लेचर में भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। याद रखना है 104 CAA 2019, इसमें एंग्लो इंडियन प्लस जो आपका है ना तो एंग्लो इंडियन रिजर्व सीट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और इसी अमेंडमेंट के तहत आपका जो रिजर्वेशन है आपका SC ST का लोकसभा उसको एक्सटेंड किया गया है। दोनों चीज़ें हुई है एक ही अमेंडमेंट के साथ। और फिर अगर हम अदर बात की बात करें तो मेंबर जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट। आपने सुना होगा कि जो स्टेट होते हैं वो डिमार्केट होते हैं वेरियस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और ईच टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज रिप्रेजेंटेड बाय आपका MP कह सकते हो है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और वहाँ के जो एरिया डिमार्केटेड है जो वहाँ लोग रह रहे हैं 18 ईयर्स प्लस वाले वो वोट कर सकते हैं, वो चुनते हैं MPs को, तो ये आपका कंस्टिट्यूएंसी हो जाता है ना। तो मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी इन द स्टेट एंड इलेक्शन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम द यूटीज आर ऑल्सो चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, ये याद रखना है ना। एंड 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 वोटिंग एज रिड्यूस कर दी गई थी 18 फ्रॉम 21 ईयर, ये याद रखना है आपको है ना। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 वोटिंग एज रिड्यूस कर दी गई 18 ईयर्स को फ्रॉम 21 ईयर। और फिर ये याद रखना है इट इज़ नॉट ए कंटिन्यूइंग चैम्बर और इसका जो नॉर्मल टर्म है वो 5 ईयर्स है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन और इसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाते हैं। आपको भी पता है ना कंटिन्यूइंग मेंबर चैम्बर नहीं है, नॉर्मल टर्म तो 5 ईयर होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग आफ्टर जनरल इलेक्शन और इसके बाद तो ये ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाता है। और टर्म कैन बी एक्सटेंडेड 1 ईयर एट ए टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। और फिर कुछ सर्टेन अमेंडमेंट आप देख लो 1/4 CAA 2019 में आया था, इसके तहत जो रिजर्वेशन है वैसे तो रिजर्वेशन इंड होने वाली थी SC ST के लिए दिए जाते हैं ना लोकसभा में एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज में, तो ये 2020 में खत्म होने वाली थी, 10 साल के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है और अब ये जो रिजर्वेशन है वो एक्सटेंड होकर 2030 पहुंच गया है ना। और साथ ही साथ इसी अमेंडमेंट के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया डिसकंटिन्यू कर दिया गया है द प्रोविजन ऑफ नॉमिनेटिंग एंग्लो इंडियंस टू द लोकसभा, जिसमें 2 को चुने जाते थे और 1 मेंबर को चुने जाते थे लेजिस्लेटिव बॉडीज से। एंड फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन टू द राज्यसभा इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब बातें थी। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से याद रखना है क्वालिफिकेशंस के साथ साथ, तो एज लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट के सदस्य होंगे वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए यानी भारत के नागरिक एंड मेक एंड सब्सक्राइब टू ओथ और अफॉर्मेशन है ना, तो इनको ओथ एंड अफॉर्मेशन भी सब्सक्राइब करनी पड़ती है Schedule 3 एंड नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज इन केस ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के सदस्य बनने हैं तो 30 ईयर्स ऑफ एज एटलीस्ट चाहिए
लोकसभा के लिए आपका जो एज है वो आपका मिनिमम 25 इयर्स होना चाहिए, एंड साथ ही साथ अदर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो हो सकता है पार्लियामेंट लेजिस्लेशन के माध्यम से क्वालिफिकेशंस प्रदान कर सकते हैं। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशंस है और एक है आपका जो पार्लियामेंट को अलाउ किया गया है कि वो लेजिस्लेशन के माध्यम से क्वालिफिकेशंस ला सकते हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सुना होगा। तो अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत, तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन की बात कही गई है इसे अच्छे से याद रखना है, मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टोरल फॉर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी। और याद रखना है ये पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी कोई भी हो सकती है ना, ऐसा नहीं है कि जो आपका लेट्स से कि यूपी का कोई नागरिक है और वो इलेक्शन लड़ना चाहता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, तो वो यूपी के कंस्टिट्यूएंसी से ही हो, वो अदर स्टेट के कंस्टिट्यूएंसी से भी हो सकता है, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टोरल, यहाँ पर देखो मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर, इलेक्टर मतलब कि वो वोटर फॉर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी। और पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में ये नहीं बोला गया है कि जिस स्टेट में उनका जन्म हुआ है उसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में बिलोंग करना है, ये बात है। एंड जो दूसरा है वो ये कि मस्ट बी मेंबर ऑफ एससी एसटी कम्युनिटी इन एनी स्टेट और यूटी इफ कंटेस्टिंग ऑन ए रिजर्व सीट। तो अगर रिजर्व सीट पर लड़ रहा है तो जाहिर सी बात है वो मेंबर होंगे एससी एसटी कम्युनिटी के लिए इन एनी स्टेट या यूटी। और मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन की बात करें तो आपका आर्टिकल 84 बोलता है पंचायती एंड अर्बन लोकल बॉडीज के लिए 21 ईयर्स रखे गए, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा के लिए 25 ईयर्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड राज्यसभा के लिए आपका 30 ईयर्स रखे गए। एंड डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही गई है वो ये कि अगर कोई एमपी या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य होल्ड करते हैं एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, या फिर अनसाउंड माइंड एंड स्टेंस सो डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट एंड अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया एनी अदर प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन, जैसे जो आरपीए 1951। तो आरपीए में भी डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही गई है, याद रखना है आरपीए में बहुत क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही गई है। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ आरपीए 1951 फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस या फिर करप्ट प्रैक्टिसेस एंड फिर देख लो कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट फॉर टू और मोर इयर्स या फिर फेल टू लोज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन द टाइम, ये सब बात है, प्लस इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क और सर्विसेज डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी या फिर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग द सोशल क्राइम्स convicted for promoting enmity between different groups or for the offense of bribery, ये सब आपके डिस्कालिफिकेशन आरपीए में बोलेगा, या फिर डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट या फिर होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन एन कॉर्पोरेशन जिसमें गवर्नमेंट का 25% शेयर है। और फिर जो तीसरा ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन है वो आपका डिफेक्शन ग्राउंड पर, इसमें क्या होता है आपको ही पता है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ जब लाई गई थी 10th शेड्यूल में ये आपको ग्राउंड दिया गया, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई मेंबर वॉलंटरी अपने पार्टी मेंबरशिप को गिव अप कर देता है तो वो आपका ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन कहलाएगा। साथ ही साथ इफ द कैंडिडेट इफ द मेंबर वोट्स या फिर एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग कॉन्ट्रेरी टू द गिवन डायरेक्शन जो दिए गए हुए पार्टी के द्वारा या पार्टी लीडर के द्वारा और उसका नहीं पालन किया गया उसके अगेंस्ट चला गया तो ये भी आपका ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन बन सकता है। या फिर इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर, बहुत सारे मेंबर्स इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होते हैं ना, चुने जाते हैं, तो अगर वो इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइन कर लेते हैं किसी भी पार्टी को तो वो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएंगे। या फिर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जैसे प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं वो अगर किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, याद रखना नॉट बिफोर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, यानी कि उनको छूट है कि अगर प्रेसिडेंट ने उसे नॉमिनेट किया है तो 6 महीने के भीतर भीतर वो किसी पार्टी का सदस्य बन सकते हैं, लेकिन आफ्टर 6 मंथ ऑफ एक्सपायरी वो अगर सदस्य बनेंगे किसी मेंबर पार्टी का तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और फिर आप देख सकते हो डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट ये फाइनल होता है ऑन द क्वेश्चन वेदर ए मेंबर इज सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द अबव डिस्क्वालीफिकेशन, प्रेसिडेंट को ओपिनियन लेना पड़ता है इलेक्शन कमीशन का एंड अकॉर्डिंगली दे एक्ट। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जो क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है अंडर द 10th शेड्यूल दैट डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ वो डिसाइड करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, यानी कि अगर राज्यसभा के मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन की बात करनी है अंडर द 10th शेड्यूल तो चेयरमैन, और स्पीकर की बात करनी है तो ये आपका लोकसभा के मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन की बात करनी है तो आपका स्पीकर हो जाएगा, नॉट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखना है आपको। एंड वैकेटिंग ऑफ सीट्स की बात करें यानी कि कैसे या कौन से केस में सीट्स जो है वो एमपीज के एमएलएज के वैकेट हो जाते हैं, तो पहली बात तो डबल मेंबरशिप हमारे यहाँ अलाउ नहीं की गई है, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट
बोथ हाउसेस के लिए चुन लिया गया है, यानी कि लोकसभा के लिए भी राज्यसभा के लिए भी, तो उसे 10 डेज के भीतर भीतर इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो किस हाउस में सर्व करना चाहते हैं, अदरवाइज राज्यसभा की सीट उनसे छीन ली जाएगी। एंड फिर आप देख सकते हो सिटिंग मेंबर इलेक्टेड टू अनदर हाउस, है ना, तो जो सिटिंग मेंबर लेट से लोकसभा का मेंबर है और आपको राज्यसभा के मेंबर के रूप में चुन लिए गए हैं, तो जो पहले मैं लोकसभा का मेंबर था उस हाउस से वैकेंट हो जाऊंगा मैं, यानी कि उस हाउस से निकल जाऊंगा और जो न्यूली चूजन हाउस है उसमें मैं मेंबर बन जाऊंगा। लॉजिकल ये दूसरे में जा रहे हैं तो उसी में मेंबर बनेंगे ना, पहले वाले तो खत्म ही हो जाएंगे। एंड फिर देख सकते हो इलेक्टेड टू टू सीट्स, तो उनको एक चुनना ही पड़ेगा, अदरवाइज वैकेंट हो जाएंगे दोनों। एंड यानी कि दो सीट्स के लिए, यानी कि आपको पता है दो सीट्स के लिए इलेक्ट हो गए, दोनों जगह से जीत गए, तो उनको एक चुनना पड़ेगा नहीं तो दोनों वैकेंट हो जाएंगे। एंड फिर देख सकते हैं पर्सन कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी बात है। तो लेट से कि अगर वो दोनों बन गया, पार्लियामेंट का भी मेंबर बन गया स्टेट लेजिस्लेचर का भी बन गया, तो उसका जो पार्लियामेंट सीट है वो वैकेंट हो जाएगा अगर वो रिजाइन नहीं करता है स्टेट से विद इन 14 डेज, ये याद रखना है ना। तो ए पर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड उसका पार्लियामेंट्री सीट वैकेंट हो जाएगा इफ नॉट रिजाइंड इन स्टेट विद इन 14 डेज। डिस्क्वालिफिकेशन तो संविधान में बोला गया है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, वो आपका 10th शेड्यूल में बोला गया। रेजिग्नेशन या डेथ की बात करें तो किसे देना है आपका रेजिग्नेशन लेटर, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, है ना, रिजाइन करना है अगर मेंबर को तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देगा, यानी कि अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो चेयरमैन को देगा, लोकसभा का मेंबर है तो स्पीकर को देगा। एबसेंस की बात करें तो देख सकते हो एबसेंट फॉर मोर देन 60 डेज विदाउट परमिशन, तो भी ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एंड अदर केसेस में फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन हुआ और वो इलेक्शन ही डिक्लेयर हो गया वॉइड बाय द कोर्ट, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो गया, या फिर हाउस के द्वारा एक्सपेल कर दिया गया, या फिर ही इज इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एंड ही इफ ही इज अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, तो ये तो लॉजिकल है। ओथ एंड अफर्मेशन की बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो याद रखना है बिफोर प्रेसिडेंट ओथ लिया जाता है या फिर सम पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, याद रखना है। तो हमने मिनिस्टर कि ओथ की बात करी, ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सेक्रेसी, वो भी प्रेसिडेंट के सामने एडमिनिस्टर होते हैं, और एमपी के लिए भी ओथ जो है आपका प्रेसिडेंट के ही सामने एडमिनिस्टर होता है। एंड बिफोर टेकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द प्रिस्क्राइब ओथ या अफर्मेशन, वो वोट नहीं कर सकते हैं और पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते हैं इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस एंड डज नॉट बिकम एलिजिबल टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, क्योंकि जब तक आप सदस्य के रूप में नहीं चुने जाते हो तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आपको और इम्यूनिटी जो मिलती है वो नहीं मिल पाएगी, और अगर आप फिर भी आते हो प्रोसीडिंग अटेंड करते हो तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात करें तो देख लो आप मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उनको सैलरीज मिलेंगी अलाउंसेस मिलेंगी वो डिटरमाइन करी जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना पेंशन का कोई प्रोविजन संविधान में नहीं है एमपीज के लिए। सैलरी ऑफ स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयरपर्सन डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, हाउएवर दे आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर व्हाइल अज्यूमिंग देयर ऑफिसेस डू नॉट मेक एंड सब्सक्राइब एनी सेपरेट ऑथ ऑफ परमिशन, याद रखना स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर कोई कोई है ना, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जब वो ऑफिस अज्यूम कर रहे होते हैं तो उनको कोई सेपरेट ओथ या अफर्मेशन नहीं सब्सक्राइब करने पड़ते हैं, जबकि मिनिस्टर जब अज्यूम करते हैं ऑफिस तब उनको ओथ ऑफ सेक्रेसी एंड ओथ ऑफ ऑफिस एज ए सेपरेट ओथ उनको सब्सक्राइब करना पड़ता है, याद रखना है। आपका स्पीकर एंड जो आपके ये हैं चेयरमैन डेप्यूटी स्पीकर इन सबको अदर ओथ्स नहीं सब्सक्राइब करने पड़ते हैं, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि एमपीज को ओथ सब्सक्राइब करने पड़ते हैं। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट अप टू एमपीज, नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा आ जाते हैं आर्टिकल 93, एंड जो दूसरा है वो है आपका चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा आर्टिकल 89। तो अगर हम बात करें स्पीकर ऑफ लोकसभा विच डील्स विद आर्टिकल 93, तो इसमें बेसिकली ये जो स्पीकर का इंस्टीट्यूशन है यानी कि स्पीकर का जो ऑफिस आप सुनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही स्पीकर के जो पद है वो आ चुके थे, है ना, स्पीकर डेप्टी स्पीकर। और ये याद रखना है आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए कि जी वी मावलंकर फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा रहे हैं
यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया कहने का मतलब यह है कि जब भारत आजाद हुआ तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा जीवी मामलंकर, ये याद रखना आपको। एंड ये जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के ही द्वारा चुने जाते हैं फ्रॉम अमंगेस्ट इट्स मेंबर, तो इन्हीं के मेंबर्स में से लोकसभा के सदस्य स्पीकर को चुनते हैं। एंड जो डेट ऑफ इलेक्शन है वो स्पीकर फिक्स नहीं करता, जाहिर सी बात है स्पीकर क्यों करेगा, उसी का तो चुनाव होने वाला है, वो फिक्स किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड स्पीकर रिमेंस इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा, ये बात आपको पता होना चाहिए। और इनको अगर रेजिग्नेशन देना है तो वो डेप्टी स्पीकर को देंगे। एंड रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल, इनको रिमूव करना है तो आपको पता है रिजोल्यूशन लाया जाता है, लेकिन लाए जाएंगे ओनली आफ्टर गिविंग 14 डेज प्रायर नोटिस इन एडवांस, एंड सच रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड बाय लोकसभा बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी, है ना। तो जो रिजोल्यूशन होंगे वो लोकसभा के द्वारा पास किए जाएंगे फॉर रिमूवल ऑफ द स्पीकर, वो भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के द्वारा। एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी कि जो आपके वैकेंट सीट्स हैं उसको हटा दिए जाते हैं, तो जो बचा टोटल सीट है फॉर एग्जांपल 552 टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, लेकिन उसमें बहुत सारे वैकेंट सीट हो गए, लेट से कि 10 सीट वैकेंट हो गया तो बचा 542, तो ये जो आपका क्या होगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जब हमने वैकेंसी सबको हटा दिया तो जो बचा और उससे हम जब हम 50% करते तो वो आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता है, दैट इज मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। एंड फिर जो मोशन ऑफ रिमूवल है कैन बी कंसिडर्ड एंड डिस्कस ओनली व्हेन इट हैज सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स, याद रखना। तो ये जो मोशन ऑफ रिमूवल लाए जाते हैं उसके लिए आपको 50 मेंबर्स का सपोर्ट भी चाहिए, तभी रिजोल्यूशन आगे बढ़ेगा। एंड व्हेन ए रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल अंडर कंसिडरेशन, यानी कि जब रिजोल्यूशन हाउस में लाई गई है और ये हाउस में कंसिडर हो रही है तो स्पीकर प्रिसाइड नहीं करेंगे सिटिंग ऑफ द हाउस, लेकिन वो वोट कर सकते हैं एट द फर्स्ट इंस्टेंट, एट द फर्स्ट इंस्टेंट यानी कि कोई भी जनरल मैटर हुआ तो उनको वोट करने की बात हुई तो वो वोट करेंगे, लेकिन इक्वलिटी ऑफ वोट या फिर टाई वाला जब मैटर होगा तब ये वोट नहीं करेगा, क्योंकि रिमूवल प्रोसेस चल रहा है ना, तो फिर वो स्पीकर के पद पर बैठे नहीं है, इसीलिए ये वोट तो कर सकते हैं बिकॉज ही इज ए मेंबर, बट इन केस ऑफ टाई ही या सी कैन नॉट वोट। एंड अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तो स्पीकर डज नॉट वेकेट हिज ऑफिस एंड कंटिन्यूज टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स, ये बात याद रखने। पावर एंड ड्यूटीज की बात करें तो देख सकते हो मेंटेन्स ऑर्डर एंड डिकोरम इन द हाउस, एंड फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा एंड पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स विद इन द हाउस। एंड फिर आप देख लो डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंट बट कैन एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट इन केस ऑफ ए टाई, ये याद रखना है। एंड ही प्रिसाइड्स ओवर अ ज्वाइंट सिटिंग, दैट इज आर्टिकल 108 ऑफ द टू हाउसेस, याद रखना है ज्वाइंट सिटिंग को यही प्रिसाइड करते हैं, नॉट द राज्यसभा चेयरमैन। और सीक्रेट सिटिंग को भी ये अलाउ करते हैं ऑफ द हाउस एट द रिक्वेस्ट ऑफ लीडर ऑफ हाउस, एंड डिसाइड्स वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट, एंड इनका जो डिसीजन है ऑन दिस क्वेश्चन वो फाइनल है, एंड इंडोर्सेस ऑन द बिल इज सर्टिफिकेट, हाँ, और यही ये डिसाइड करते हैं जैसा कि मैंने बोला कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, ये डिसाइड करते हैं, और उनका जो डिसीजन है इसके ऊपर वो फाइनल होता है। एंड ये भी डिसाइड करते हैं द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा बट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, हमने ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के बारे में बात किया था कि चार पांच केसेस या छह केसेस थे जो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन जो आपका 10th शेड्यूल में मेंशन है वो आपका क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करता है। और फिर देख लो डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, और ये आपका किहोतो होलोहन केस में आया था, याद रखना किहोतो होलोहन केस में साफ साफ बोल दिया गया था कि जो डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन वो जुडिशियल रिव्यू में आएगा, यानी कि स्पीकर के डिसीजन को जुडिशियल रिव्यू में लिया जा सकता है, ये याद रखना है आपको। एंड फिर देख सकते हो जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो आगे हम पढ़ेंगे भी, लोकसभा के पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन है उनको ये अपॉइंट करते हैं एंड सुपरवाइज भी करते हैं उनके फंक्शन को, बिकॉज यही अपॉइंट करते हैं तो सुपरवाइज भी यही करेंगे। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ये होते हैं, यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो पार्लियामेंट का है, रूल्स कमेटी जो पार्लियामेंट का है, जनरल पर्पज कमेटी जो पार्लियामेंट का है, ये तीनों के कॉमन चेयरमैन आपके यही होते हैं स्पीकर। एंड अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द स्पीकर, तो कैसे इंश्योर होता है कि ये जो स्पीकर है वो इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियल वे में काम कर रही है, तो वो इसीलिए क्योंकि इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर दिया गया है, यानी कि इनको हटाया जा सकता है, बट जो मेंशन ग्राउंड ऑफ रिमूवल है उसी के आधार पर सैलरीज एंड अलाउंसेस पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स किए जाते हैं एंड आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर आप देख लो वर्क एंड कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड एंड क्रिटिसाइज एक्सेप्ट ऑन ए सब्सटेंटिव मोशन, एंड
काफी हाई पोजीशन होता है, बिकॉज इनका सेवंथ रैंक आता है। सेवंथ रैंक यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रैंकिंग है उसके बराबर में इसका रैंक आता है। एंड रैंक्स हायर देन ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर, ये याद रखना है, रैंक्स नॉट इक्वल बट रैंक्स हायर देन ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर या फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ये याद रखना है। बट विद रेस्पेक्ट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पोजिशन है वो आपका सिमिलर है टू द स्पीकर। तो ये हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा की। तो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा आर्टिकल 89 से डील करते हैं, और आपको भी पता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, एंड इनको रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इफ ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो याद रखना है, कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इफ ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। एंड अनलाइक द स्पीकर, चेयरमैन मेंबर नहीं होते हाउस के, याद रखना है। अनलाइक द स्पीकर द चेयरमैन इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस। एंड फिर यहाँ आप देख लो, लाइक अ स्पीकर चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंट बट कैन कास्ट वोट इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट, दैट इज कास्टिंग वोट, ये याद रखना है। एंड व्हेन अ रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग एज ए नॉर्मल मेंबर विदाउट राइट टू वोट, ये याद रखना है, ये जरूर याद रखना है। व्हेन अ रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस वो प्रोसीडिंग में टेक पार्ट कर सकते हैं एज ए नॉर्मल मेंबर, बट इनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये मेंबर है ही नहीं। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। जबकि जो आपका स्पीकर होते हैं वो चूंकि मेंबर होते हैं तो वो आपका एट द फर्स्ट इंस्टेंस वो राइट टू वोट कर सकते हैं, बट नॉट एट इन केस ऑफ टाई। एंड सैलरी एंड अलाउंसेस ये पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स किए जाते हैं चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये याद रखना है, व्हेन अ रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग एज ए नॉर्मल मेंबर विदाउट राइट टू वोट। एंड सैलरी एंड अलाउंसेस फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर देख सकते हो पावर एंड ड्यूटीज सिमिलर टू अ स्पीकर एक्सेप्ट दो स्पेशल पावर जो मेंशन किए गए। पहले बात तो ये कि स्पीकर डिसाइड करता है वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, एंड उनका जो डिसीजन है ऑन दिस क्वेश्चन इज फाइन, एंड द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड ये हमने स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में डिस्कस किया। स्पीकर प्रो टेम की बात करें, यानी कि प्रो टेम स्पीकर, आपको ही पता होगा संविधान में ये बोला गया है। बेसिकली होता क्या है कि जो स्पीकर होते हैं लास्ट लोकसभा के, यानी कि लेट से कि टर्म पूरा हो गया और लोकसभा भंग होने वाली है, भंग हो गई, तो ये जो स्पीकर है लास्ट लोकसभा के वो अपनी ऑफिस इमीडिएटली आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा वैकेट नहीं करती है। तो कब ये वैकेट करती है? तो ये तब वैकेट करती है जब न्यूली इलेक्टेड लोकसभा का फर्स्ट मीटिंग होने वाला होता है उससे जस्ट पहले ये वैकेट कर देती है अपने सीट को एज ए स्पीकर। तो जो स्पीकर प्रो टेम इंस्टीट्यूशन है, जो टेम्पररी ऑफिस, टेम मतलब टेम्पररी ऑफिस, एंड ये फैसिलिटेट करते हैं ट्रांजिशन ऑफ इंस्टीट्यूशन को फ्रॉम ओल्ड वन टू न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। ऑल्सो ये जो प्रो टेम स्पीकर है वो इनेबल करते हैं हाउस को कि वो नया स्पीकर चुन ले, बिकॉज पुराने वाले तो खाली कर दिए। प्रेसिडेंट ही स्पीकर प्रो टेम को अपॉइंट करते हैं और उनके ओथ को भी यही एडमिनिस्टर करते हैं। और ये जो प्रो टेम स्पीकर होता है वो एमंगेज द मेंबर ऑफ लोकसभा इटसेल्फ, जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है उन्हीं से चुन लिया जाता है। और यूजुअली कन्वेंशन है बेसिकली सीनियर मोस्ट मेंबर जो है वो चुने जाते हैं फॉर दिस। एंड लीडर्स इन पार्लियामेंट की बात करें तो याद रखना है आपको, एक तो आपका डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड अदर्स, एंड जो दूसरा है आपका डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड अदर। तो ये बातें आपको यहाँ पर याद रखनी होगी कि जो आपका है ना, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये भी तो हो सकता है कि लोकसभा में जो स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी के होंगे या फिर आपका अपोजिशन पार्टी का होगा, या फिर जो राज्यसभा में है मेंबर वो रूलिंग पार्टी के होंगे, यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन रूलिंग पार्टी या फिर आपका अपोजिशन पार्टी क्या है। तो इसके लिए क्या कोई संविधान में प्रोविजन है क्या? तो इसके लिए संविधान में तो प्रोविजन नहीं है, बट हाँ ये याद रख सकते हो आपकी 11th लोकसभा के बाद से एक कंसेंसस कह सकते हो डेवलप हुआ है कि जो स्पीकर होंगे वो रूलिंग पार्टी से आएंगे या फिर रूलिंग अलायंस जो रूल कर रहा होगा उस गवर्नमेंट को, एंड जो डेप्यूटी स्पीकर के पद होंगे वो मेन अपोजिशन पार्टी के पास जाएगा। ये आपका कन्वेंशन है, याद रखना संविधान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, कन्वेंशन है। ये कन्वेंशन 11th लोकसभा से ज़्यादा फेमस हो रही है। और डेप्टी स्पीकर इलेक्ट किए जाते हैं आफ्टर द इलेक्शन ऑफ अ स्पीकर हैज बीन टेकन प्लेस। और डेप्टी चेयरमैन की बात करें तो डेप्टी चेयरमैन अपने रेजिग्नेशन चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को देता है, एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सबमिट हिज यार और रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। ये तो बात है ना, वाइस प्रेसिडेंट किसको सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट को। एंड प्रेसिडेंट किसको सबमिट करते हैं? ये आप हमें बताओ, वाइस प्रेसिडेंट को।
एंड फिर देख सकते हो ये जो आपके डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा है या फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द रेस्पेक्टिव हाउस, याद रखना बाय द रेस्पेक्टिव हाउस, लोकसभा के लोकसभा मेंबर्स के द्वारा, राज्यसभा के राज्यसभा मेंबर्स के द्वारा। और ये याद रखना डेप्यूटी स्पीकर या फिर डेप्यूटी चेयरमैन के जो इलेक्शन डेट है वो स्पीकर या चेयरमैन डिसाइड करता है। स्पीकर का डेट ऑफ इलेक्शन कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पर डेप्टी स्पीकर या चेयरमैन का डेट कौन डिसाइड कर रहा है? स्पीकर या चेयरमैन। एंड नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर या चेयरमैन, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस को। एंड इनको भी रेगुलर सैलरी एडवांस मिलती है जो पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स करी जाती है, चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एंड रिमूवल प्रोसीजर भी इनका सिमिलर है टू द स्पीकर या चेयरपर्सन, याद रखना। एंड ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करेंगे कौन? डेप्टी स्पीकर, अगर स्पीकर एबसेंट है तो। एंड अगर इन्हें पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर के रूप में चुन लिया गया है तो ऑटोमेटिकली ये उस पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन बन जाएंगे। एंड देन वी हैव द पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा या वाइस चेयरपर्सन राज्यसभा का, है ना। तो लोकसभा के लिए वी हैव द पैनल ऑफ चेयरपर्सन एंड ऑल्सो फॉर राज्यसभा वी हैव द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। तो याद रखना है पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा की बात करें तो स्पीकर के द्वारा, पैनल ऑफ चेयर पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा तो चेयरपर्सन नॉमिनेट करेंगे, याद रखना यहाँ पर इलेक्टेड नहीं, यहाँ पर नॉमिनेटेड है। एंड नॉट मोर देन 10 मेंबर्स, यस। एंड ये प्रिसाइड करेंगे व्हेन स्पीकर या चेयरमैन या फिर डेप्टी स्पीकर या चेयरमैन एबसेंट है, याद रखना। अगर स्पीकर या चेयरमैन एंड डेप्टी स्पीकर या चेयरमैन वैकेंट है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है मेंबर्स में से किसी एक को, और उस तब आपका पैनल प्रिसाइड नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि जब स्पीकर या फिर डेप्टी स्पीकर या फिर वाइस प्रेसिडेंट या फिर आपका जो डेप्टी चेयरमैन है वो आपका एब्सेंट रहेगा तब तो ये पैनल्स में से आ जाएंगे, लेकिन जब वैकेंट होगा तब दोनों वैकेंट हो गए, यानी कि स्पीकर के सीट्स भी वैकेंट हो गए, डेप्टी स्पीकर के भी सीट्स वैकेंट हो गए, तब आपका पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा में से कोई एक चुनकर नहीं आएगा, तब आपका प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा फ्रॉम अमंग द मेंबर्स टू प्रेसाइड एंड सैलरी एंड अलाउंसेस फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट एंड चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। लीडर ऑफ हाउस की बात करें तो याद रखना लीडर ऑफ हाउस संविधान में मेंशन नहीं है, याद रखना है लीडर ऑफ हाउस संविधान में मेंशन नहीं है, तो कहाँ मेंशन है? अंडर द रूल्स ऑफ हाउस। रूल्स ऑफ हाउस में लोकसभा का रूल्स ऑफ हाउस हो सकता है, राज्यसभा का रूल्स ऑफ हाउस हो सकता है। इसके तहत प्राइम मिनिस्टर जिसमें वो मेंबर है वो आपका लीडर ऑफ हाउस हो जाएंगे, एंड फॉर अदर हाउस वो कोई मिनिस्टर होगा हु इज नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर कि वो फंक्शन करेंगे लीडर ऑफ दैट हाउस, है ना, तो याद रखना है। तो अगर हम लीडर ऑफ लोकसभा की बात करें तो अगर प्राइम मिनिस्टर मेंबर है तो वही लीडर ऑफ हाउस हो जाएंगे, और अगर राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस की बात करेंगे तो जो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा वो दूसरे हाउस के लीडर बन जाएंगे। एंड अगर हम बात करें लीडर ऑफ अपोजिशन की तो अंडर द पार्लियामेंट्री स्टेट्यूट, संविधान में ये भी मेंशन नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन, याद रखना है आपको। तो लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर ऑफ हाउस दोनों आपका संविधान में मेंशन नहीं है, विप भी आपका संविधान में मेंशन नहीं है। और अंडर द लीडर ऑफ अपोजिशन जो लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 सीट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, तो तभी जाके लीडर ऑफ अपोजिशन इन दैट हाउस रिकॉग्नाइज होगा, यानी कि लोकसभा में अगर आपका 1/10 सीट्स मेन अपोजिशन पार्टी के द्वारा नहीं लाया गया तो कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज ऑफिशियली एज लीडर ऑफ अपोजिशन। उसी प्रकार से राज्यसभा में होते हैं एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इंजॉयज द स्टेटस ऑफ मिनिस्टर, याद रखना है, एंड इट इज पेड बाय द गवर्नमेंट। लीडर ऑफ अपोजिशन पहली बार 1969 में रिकॉग्नाइज की गई थी, और ये याद रखना है इसको स्टेटूटरी रिकॉग्निशन मिला है 1977 में, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन अभी भी नहीं है। इसी को अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर कहा गया है बाय इवोर जेनिंग। विप की बात करें तो विप में आपका क्या आ जाता है, नाम से ही पता चल रहा है, विप मतलब सूचना जारी कर देना, एक प्रकार से अलर्ट जारी कर देना, और ये अलर्ट जारी किए जाते हैं पार्टी मेंबर्स को कि वो जो है पार्टी डिसीजन को फॉलो करे कि कोई इश्यू लेट से पार्लियामेंट में आया है कोई बिल पर डिस्कस करना, तो जो लीडर ऑफ द पार्टी वो विप जारी कर देंगे कि आपको इस पर हाँ बोलनी है ना बोलनी है ना, क्या डिसीजन लेने पहले बोल दिया जाता है, तो ये होता है विप। तो ऑफिस ऑफ विप वैसे तो ना ही संविधान में मेंशन किया गया है, ना ही रूल्स ऑफ द हाउस, ना ही किसी पार्लियामेंट स्टेट्यूट में मेंशन किया गया है, ये कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पर आधारित है, है ना। इसमें क्या है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज इट्स ओन विप इन द पार्लियामेंट कि वो सब करेंगे एज एन असिस्टेंट फ्लोर, तो
हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना व्हिप होता है इन द पार्लियामेंट कि वो असिस्टेंट फ्लोर लीडर के रूप में सब करेंगे, यानी कि सबको बताएंगे कि आपको कौन से इश्यू पर क्या समर्थन, क्या बातें कहनी है, एंड ऑल्सो इंश्योर्स द अटेंडेंस ऑफ हिज पार्टी मेंबर्स इन द लार्ज नंबर एंड सिक्योरिंग देयर सपोर्ट इन फेवर ऑफ या फिर अगेंस्ट ए पार्टिकुलर इश्यू, रेगुलेट्स एंड मॉनिटर्स देयर बिहेवियर इन द पार्लियामेंट। ये आपका जो व्हिप का फंक्शन हमने देखा है ना, तो व्हिप ऐसा याद रखना आपको, संविधान में लीडर ऑफ अपोजिशन भी मेंशन नहीं है, लीडर ऑफ हाउस भी मेंशन नहीं है, है ना, व्हिप तो मेंशन किसी चीज में नहीं है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है ना। और लीडर ऑफ हाउस कौन होगा, तो आपको ही पता है कि आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, जहाँ पर वो मेंबर, जिस हाउस का वो मेंबर हो गया तो वहाँ पर आपका प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ हाउस होगा, और जो दूसरा हाउस होगा उसमें वो किसी मिनिस्टर को नॉमिनेट कर देंगे एज ए लीडर ऑफ हाउस, ऑफ दैट हाउस, कहने का मतलब ये। और फिर लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में हमने बात किया, और याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं है, बट हाँ स्टेट्यूटरी रिकॉग्निशन है, 1977 में मिल गया था इसको, फॉर द फर्स्ट टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हुई 1969 में, क्योंकि उससे पहले आपका जो ये जो एलिजिबिलिटी है कि टू फुलफिल फॉर दैट आपका नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द सीट होना चाहिए ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, तो आपका ये। सो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, जो कि एक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। फॉर नाउ थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।